हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, जो अपनी ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हम मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है। मौर्य राजवंश के विषय में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है? ये बुक्स दी गई हैं कुछ यहाँ पे। पहली बुक है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, वृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर और इंडिका। तो मौर्य राजवंश के विषय में हमें ये जितनी भी बुक हैं, पांच बुक, इन सब से हमें मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो पहली बुक है अर्थशास्त्र, ये चाणक्य द्वारा लिखी गई है। चाणक्य को और भी कई नामों से जाना जाता है, इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और जो सेकंड बुक है वो है मुद्रा राक्षस, इसे विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है और ये बुक एक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था और चाणक्य की कूटनीतियों के बारे में एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है। जो तीसरी बुक है वो है वृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र द्वारा रचित है और कथा सरित सागर, इसको सोमदेव ने लिखा है। फिफ्थ बुक जो है वो इंडिका, इसको मेगस्थनीज ने लिखा है। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। हमें सारी पुस्तकों से मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। और सेकंड क्वेश्चन है, किसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था और इसने घनानंद को, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक, इसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी। जो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त वंश से संबंधित है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये भी गुप्त वंश से ही संबंधित है। आपने जो है विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी हुई होंगी, तो उसमें जो विक्रम को दिखाया गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं और जो बिंदुसार है ये अशोक के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, स्टैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सैंड्रोक्रोट्स, एंडोक्रोट्स, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सैंड्रोक्रोट्स, एंड्रोक्रोट्स, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो स्टैबो और जस्टिन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोक्रोट्स कहा है। और एंड्रोक्रोट्स ये किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन एंड्रोक्रोट्स ये एरियन तथा प्लूटार्क जो कि विदेशी यात्री थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में मौर्य शासकों को किस जाति का बताया गया है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मौर्य शासक को किस जाति का बताया गया है? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा क्षत्रिय। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में मौर्य शासकों को क्षत्रिय वंश का बताया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथों में
मौर्य वंश को शूद्र बताया गया है। एक प्रमुख इतिहासकार हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर ने मौर्य वंश के शासकों को वैश्य बताया है। इन्होंने वैश्य कहा है कि जो मौर्य शासक थे वो वैश्य जाति के थे। अगला क्वेश्चन है, उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। जस्टिन ने यह कथन किसके लिए कहा है? अशोक के लिए है यह कथन, बिंदुसार, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर, फिलिप या इनमें से कोई नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आपको बताना है कि थे, कौन थे। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे कौन है? चाणक्य, तो आपको पता होगा कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जो सेल्यूकस निकेटर है ये सिकंदर का प्रधानमंत्री था, सिकंदर। और फिलिप जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी फिलिप, ये सिकंदर के पिता थे। सेवंथ क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम चरण में किस धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम चरण में जैन धर्म की दीक्षा ली। एक साधु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु। इन्होंने, ये जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म के साधु थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन, अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना जाता है? अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पे समुद्रगुप्त है, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त के बारे में हमने अभी पढ़ा, इसको सैंड्रोक्रोट्स या एंड्रोक्रोट्स के नाम से जाना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और जैन धर्म को अभी हमने पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम मृत्यु के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? सुसीम, अशोक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, तो पहला जो विद्रोह हुआ था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक को भेजा था, और जो दूसरा विद्रोह हुआ उसमें सुसीम को भेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।